उत्तर प्रदेश के कन्नौज में अघोषित बिजली कटौती से इत्र नगरी में हाहाकार मच गया है। तेज गर्मी में उबल रहे शहरवासियों को बिजली पर्याप्त नहीं मिल रही है। वहीं बिजली कटौती से नगर के नलकूप भी बंद हो गए हैं, जिससे करीब 1.5 लाख की आबादी के सामने पेयजल का संकट गहरा गया है। वहीं लोगों ने शासन प्रशासन के साथ बिजली विभाग से बिजली पर्याप्त सप्लाई करने की मांग की है। क्या मालूम पड़ा? बत्ती नहीं आ रही। बत्ती दिक्कत बनी हुई क्या? हाँ। कई दिन से बनी हुई है? आज 5-6 दिन हुई है, पाइप नहीं आ रहा। अभी तक हालात घर में ध्यान दिया कोई नहीं आ रही, बता रहे मोटर भूखी को बता रहे बत्ती नहीं आ रही। अच्छा, तो पानी से क्या दिक्कत, कितनी दिक्कत है सामना करना पड़ रहा? पानी रोज भरन पड़ रहा, हैंडपम्प से चला चला रात में। कहना क्या हैंडपम्प का कि वाटर लेवल नीचे जा रहा क्या? वाटर लेवल ना जा रहा, मोटर ना चल पाए, जाने का भरवाओ। इसलिए समस्या बनी हुई है, कल से 2 फेज लाइन आ रही है और कुछ ट्रेम भावन में भी लाइट आइट की दिक्कत है, आग आग जलने लगती है, तो इसलिए बाद में 2 फेज लाइन हो गई तो दोनों मोटर बंद नहीं कर पानी। ये भाई मान लो 11 बजे से जो दोनों बंदी हैं, कल दिन से 11 बजे बंद है? दिन से नहीं भाई, रात से। अच्छा, लोग कह रहे 5 दिन से पानी नहीं छूटा है, तो क्या कहेंगे इस पे? 5 दिन से क्या, वो उससे परसों भी ये मोटर खराब हो गया जे वाला, तो जे बंद रहा एक चला, वो लाइट इतनी कटौती हो रही है, लाइट जाती फिर आती फिर जाती, तो इसमें हम लोग क्या कर। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में गांजा तस्करों का बढ़ता कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांजा तस्करों का कई जिलों में कारोबार खूब फल फूल रहा है। गांजा तस्कर कारोबारियों के आगे पुलिस बेबस नजर आ रही है। इन्हीं गांजा तस्करों के बीच फंसकर युवा पीढ़ियां बर्बाद हो रही है। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि नशा तस्कर किस तरह गांजे की सप्लाई कर रहे हैं, जो कप्तानगंज, महाराजगंज, छावनी, विक्रमजोत चौकी के सामने सहित अन्य इलाकों में खुलेआम बेच रहे हैं। लेकिन पुलिस गांजा तस्करों पर नकेल नहीं कस पा रही है। बस्ती से आलोक पटेल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर, कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में मां और पत्नी की मौत के गम में अधेड़ व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। घर में व्यक्ति के फंदा लगाकर आत्महत्या करने की जानकारी होते ही रामपुर निगोह गांव में हड़कंप मच गया। काफी लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, जिसकी जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दारू वारू पी रहा था, दारू वारू पिया ही ज्यादा नहीं है उसने, लगा ली फांसी। कौन सा गांव? निगोह भाट। क्या करते थे ये? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते थे। कितने बच्चे थे इनके? बच्चा एक लड़की है सिर्फ, दो महीने पहले इसकी माँ खत्म हो गई, बहू खत्म हो गई, टेंशन में रह जा रहे दारू पी।